शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर सोनसी में विशाल पटेल के साथ आप सबका स्वागत है। ले चलते हैं आपको शान स्पेशल में, जो खबर सोनसी शान स्पेशल सावन के शुरुआत से ही चला रहा है। बता दें कि इस तीसरे सोमवार को, सावन के तीसरे सोमवार को चौबेपुर कैथी में मार्कंडे महादेव मंदिर खबर सोनसी की टीम पहुंचकर वहां की एक बेहतरीन शानदार स्टोरी करके आपको खबर सोनसी न्यूज चैनल पे दिखाने के लिए वहां के रिपोर्टर उत्सुक थे। बता दें कि दीपक चौहान के साथ आशीष ने वहां का पड़ताल किया और वहां के बारे में जाना, जो खबर सोनसी वहां की गोपनीयता को और वहां के रहस्यों को जरूर दिखाएगा। आइए देखते हैं क्या रहा माहौल मार्कंडे महादेव का और वहां का असली रहस्य। खबर सोनसी पर नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान, खबर सेवन सी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं जनपद वाराणसी के चौबेपुर स्थान, यहीं पे बगल में ही मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। सावन का तीसरा सोमवार है, काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगती है, दर्शनार्थी बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे लगभग कह लीजिए कि 500 किलोमीटर के रेंज में जितना भी पूर्वांचल की जिले हैं, लगभग वहाँ से सब लोग दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान का, बाबा का यहाँ पे दर्शन करके ही जाते हैं। कांवरियाँ देखिए, अभी हम लोगों ने दिखाया आपको साइड से कि कांवरियाँ यहाँ पे काफ़ी दूर से अपना कांवर से जल लेके आते हैं, बाबा का जलाभिषेक करते हैं। तो इस बार यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा भी, जैसे हम लोगों ने अभी तरह तरह के जगहों पे जाके हर सोमवार को, पहले सोमवार को हम लोगों ने त्रिलोचन महादेव पे आप लोगों को वहाँ का लाइव कवरेज दिखाया था। आज इसके बाद सुजानगंज में हम लोग पहुँचे, आज तीसरे सावन के सोमवार को हम लोग यहाँ मार्कंडेय महादेव पे पहुँचे हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए यहाँ पे बैक रेडिंग लगाई गई है, इससे पहले हम लोगों ने दिखाया पहला बैक रेडिंग वहाँ पे था, उसके बाद ये दूसरी बैक रेडिंग लगी हुई है यहाँ पे, जो कि पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं पहले उनको रोका जाता है। देखिए रोका जाता है, और अगर लोकल लोग हैं अगल बगल के तो उनको छोड़ दिया जाता है, नहीं तो जितनी भी बाहर की गाड़ियां आती हैं उनको रोका जाता है, चाहे फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर, उनको रोक के पहले उनका पूछताछ किया जाता है, चेकिंग किया जाता है, फिर इनको छोड़ा जाता है, जिससे कि आगे जो है भीड़ पे कंट्रोल किया जाए, भीड़ में भगदड़ ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। पहले सबको रोक के ही आगे भेजा जाता है, ये प्रशासन की व्यवस्था है। आए दोस्तों, कुछ कांवरिया वाले आए हैं, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि कहाँ से कांवर लेके आ रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए बाबा का। अपना नाम बताइए। हमारा नाम हरिलाल। कहाँ से आ रहे हैं आप? औरंगाबाद से, जौनपुर। जल आपने कहाँ से उठाया है? जल उठाया है यहाँ विश्वनाथ से। अच्छा, फिर इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं? मार्कंडेय महादेव। अच्छा, वहाँ पे जाके जलाभिषेक करके फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद तो पैदल अपने परंगा के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ से जल उठा के फिर परंगा, वहाँ पे कोई मंदिर है क्या? हाँ, सब गांव के डी बाबा हैं और सब हैं देवता, वहाँ सब जल चढ़ाते हैं जाके यहाँ से। देखिए दोस्तों, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर ऐसे ही कांवर लेके और जल बाबा को चढ़ा के अपने निवास स्थान के लिए निकल जाते हैं। बोल बा, 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 बोल बा। दोस्तों आपको लेकर चलते हैं मंदिर परिसर के
ठीक सामने जो गेट है जिसे दर्शनार्थी जो आते हैं प्रवेश द्वार से होकर गुजरते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेटल डिटेक्टिव मशीन है, यहाँ पे सुरक्षा दृष्टि से लगाया गया है प्रशासनिक व्यवस्था में। अगर मेटल अगर कोई यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, मेटल डिटेक्टिव मशीन है, इससे संदिग्ध आदमियों की जो है पहचान की जाती है। कोई संदिग्ध आदमी रहता है उसकी पहचान करके उसको अलग कर दिया जाता है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था। कुछ कावरिया वाले आए हैं यहाँ पर और काफी दूर से आते हैं, जैसा हम लोगों ने बताया। लगभग पूर्वांचल ही छोड़िए, पश्चिमांचल से भी लोग आते हैं कावर लेके यहाँ पर। वहाँ से जल उठा के लाते हैं और जल अभिषेक करते हैं बाबा का। तो आइए पूछते हैं, भाई साहब लोग कहाँ से आए हैं, इनकी श्रद्धा भाव भक्ति क्या है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुआ इनको, प्रशासनिक मदद इनको मिल रही थी नहीं पूरे रास्ते भर। तो हम सीधे सीधे अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते हैं। कुछ भक्तगढ़ है कावरिया वाले, उनसे हम आपको मिलाते हैं। नाम बताइए अपना। गोपाल यादव, लालगढ़, आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हुए हैं। तो ये बताइए, आप इतने दूर से आ रहे हैं, लगभग कितना दूर होगा ये लगभग जो कि 70-75 किलोमीटर है। तो रास्ते में आप लोगों की पूरी सुविधा मिल रही थी कि नहीं? रास्ते में हम पहले हम लोग गए बाबा धाम, सुल्तान बजनाथ धाम से दर्शन करके आए हैं। यहाँ पे कुछ सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है कि जो कंवरिया वाले हैं उनको थोड़ा अलग लाइन लगा के दर्शन कराना चाहिए। मतलब अच्छा, कावरिया वालों की अलग से लाइन नहीं है, मतलब जो यहाँ के आम नागरिक हैं और कावरिया वाले हैं इनको एक साथ दर्शन कराया जा रहा है। आप लोगों को एक आप लोगों का यही कहना है कि हम लोगों के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए। कावरिया वालों को कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं, मतलब मंदिर प्रशासन से और यहाँ के अगल बगल के लोगों के द्वारा अभी तक कोई पानी की सुविधा आप लोगों को नहीं मुफ्त। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कावरिया वालों को लेके होती है चीजें, यहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था है ना तो इनके लिए अलग से लेन की व्यवस्था की गई है, तो थोड़ा सा इनका रोष सामने प्रकट हो रहा है। आइए हम मिलवाते हैं, कावरिया आए हुए हैं बॉम्बे से, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनका क्या श्रद्धा भाव भक्ति है भगवान के प्रति। नाम बताइए अपना। गौतम कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं? हम आए फिरतू से, आजमगढ़। तो यहाँ पे आने के बाद कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल सर यहाँ का सही है, लेकिन क्या है कि यहाँ मेन ड्यूटी वगैरह सही से ना, कोई जगह से पुलिस वाले अलग से छोड़ देते हैं, कोई लेडीज को पहले से छोड़ देते हैं, ऐसे कैसा मतलब एक सिस्टम नहीं है, मतलब लेडीज को पहले निकाल देते हैं या फिर जेंट्स को अलग से, कावरिया वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है या पानी होने की व्यवस्था नहीं मिली आप लोगों को? क्या पुलिस वाले को मैं खुद ही बोल के आया हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, पानी पिलाने की सुविधा शिविर भी नहीं लगी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं लगी है। और सफाई की व्यवस्था कुछ है कि नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है? सफाई तो है, कुल साफ सफाई है, लेकिन यहाँ पे कवरिया वालों को कहना है कि इनको पानी की व्यवस्था मुहैया नहीं करवाया गया, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नहीं किया गया है, क्योंकि हाँ तो इनको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ रही है, जिसका रोज से साफ तौर पर दिख रहा है इनके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। आइए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर परिसर के मेन स्थान पे, जहाँ पे मार्कंडेय महादेव स्थित हैं। देखिए यही मंदिर है, आप लोगों को हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये मंदिर है, इसी के जो नीचे ठीक नीचे मार्कंडेय महादेव बाबा स्थित हैं, जहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, इनके दर्शन को पाते हैं, अपनी श्रद्धा भाव भक्ति दिखाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को प्रार्थना के रूप में भगवान से मांगते हैं और इनकी मनोकामना भगवान पूरा करते हैं। आइए कुछ यहाँ पे दर्शनार्थी हैं, उनसे भी हम लोग जानना चाहते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और उनकी क्या श्रद्धा भाव भक्ति है भगवान के प्रति। भाई साहब नाम बताइए अपना। अमरेश पांडे। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी में किस जिले से? गोंडा जिला से आया हूँ, मनकापुर। देखिए गोंडा से आए हुए हैं, मैंने बताया लगभग पूर्वांचल के, पूर्वांचल ही छोड़ दीजिए, पश्चिमांचल से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं। और देखिए यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, अभी हम लोगों ने पीछे दिखाया था आपको कैमरे के माध्यम से, लगभग लाखों की भीड़ यहाँ पे रहती है और लगभग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ये लंबी लाइन कतार लग जाती है। देखिए एक तरफ महिलाओं के लिए अलग से लेन होता है यहाँ पर, और एक तरफ बगल में देखिए यहाँ पे पुरुष जो दर्शनार्थी होते हैं, भक्तगण होते हैं, उनके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की जाती है।
मंदिर प्रबंधन समिति के यहाँ पे संयोजक मंत्री कर लीजिए, उनसे मिलवाते हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार इस मंदिर के द्वारा और इस मंदिर ट्रस्ट आयोजन समिति के द्वारा कांवरिया वालों के लिए और जो भक्तगण दूर दराज से आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा मुहैया कराया गया है और कैसे ये लोग इतनी ज्यादा भीड़ जो आ रही है इसको कंट्रोल करके सबको बारी बारी से दर्शन करवा रहे हैं। तो आइए हम सीधे सीधे रूबरू कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से मंदिर प्रबंधन समिति के संयोजकों से। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम संतोष कुमार गिरे और पप्पू गुरु से मुझे जानते हैं लोग। रहने वाले कहाँ के आप? यही प्रॉपर कैची के ही रहने वाले हैं और मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं। तो इस बार आप लोगों की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है भक्तगणों के लिए और कांवरिया वालों के लिए? भक्तगणों के लिए जैसे किसी को चोट वोट लग जाए या कोई दिक्कत हो उसके लिए दवा ववा की शिविर उवर लगवाई गई है और पानी वानी की भी समुचा व्यवस्था कराई गई है और हमारे गाँव से भी लोग लगे हुए हैं, हमारे गाँव से भी बाबू समाज के लोग यहाँ घूम के देख रहे हैं किसी को किसी चीज की दिक्कत। प्रशासन का मदद मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? प्रशासन का पूरा मदद मिल रहा है और हमारा गांव और हमारा पूरा समाज भी प्रशासन का पूरा मदद कर रहा है। तो क्या इस बार सफाई की व्यवस्था जो कि योगी मोदी सरकार की प्रथम दृष्टया में रहता है तो क्या आप लोगों के तरफ से भी सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है प्रशासनिक अमले के द्वारा? यह व्यवस्था सुदृढ़ दिख रही है आपको? जी जी, प्रशासन के द्वारा तो रविवार और सोमवार को ही सिर्फ सफाई की व्यवस्था है, बाकी दिन तो हमारा गांव और समाज ही करता है। क्या सफाई कर्मी लगा ही नहीं है क्या यहाँ पे? सफाई कर्मी लगा है, रविवार और सोमवार को ही आते हैं। कितना पुलिस फोर्स होगा यहाँ पे? सोमवार रविवार को तो काफी संख्या में है, लगभग 200-300 अधिक होंगे, कैची चौराहे से गंगा घाट से मंदिर तक अधिक होंगे। और यहाँ पे जैसे कि प्रशासनिक लोगों के बारे में बता रहे हैं तो मॉनिटरिंग करने के लिए समय समय में कोई उच्च अधिकारी आते रहते हैं कि नहीं मंदिर? जी हाँ, बीच बीच में उच्च स्तर के अधिकारी आते रहते हैं। उनका नाम बता सकते हैं? जैसे हमारे SPRA साहब हैं या CO साहब हैं, CO साहब और SO साहब का तो बराबर दौड़ा है, SPRA साहब भी बराबर आते हैं और ग्रामीण SP भी आते हैं, SDM साहब का भी आना है, बीच बीच में आते जाते रहते हैं। अच्छा, ऐसा है कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है पूरे पूर्वांचल से कह लीजिए, क्या पूरे UP से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भगवान जी यहाँ पे जो मार्कंडेय महादेव के नाम से जाने जाते हैं इनका जो अवतरण कैसे हुआ था, कैसे यहाँ पे ये आए थे स्वयंभू, उसके बारे में थोड़ी जो कहानियां यहाँ की प्रचलित है उसको थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे जी यहाँ पे मान्यता है कि संसार में जिसके पास भी पुत्र न हो वो पुत्र की कामना लेके आता है, उसका कामना पूर्ण होता है और जो अभी अल्प आयु वाले हैं यहाँ आके दर्शन पूजन करने से जल चढ़ाने से दीर्घायु होते हैं, ऐसा मान्यता है। जैसे महाभारत के वनपुराण के 4वें अध्याय में एक श्लोक मिलता है कि श्री महाभारत वनपुराण युधिष्ठिर प्रतिमार्दी वचनम मार्कंडे यश राजेंद्र तीर्थ मासा तो दुर्लभम गंगा गोमती चे संगमे लोक विश्वते अग्निष्टोम कुलंच समुद्र थे। पांचों पांडवों को नारद जी यहाँ लेकर आते हैं और युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजेंद्र, मार्कंडे ऐसा तीर्थ होना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? गंगा और गोमती के संगम पर स्थित है, यहाँ स्नान करके एक लोटा जल चढ़ाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, पूरे कुल का उद्धार होता है। जैसे मार्कंडे ऋषि के पिता का नाम था मृकंड ऋषि, जिनके पास कोई संतान नहीं था, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि तपस्या करते थे, उसमें सबसे बड़े ज्ञानी थे मृकंड ऋषि। तो ऋषियों ने ताड़ना दिया, बिना पुत्र गति नास्ति, कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो लेकिन आपके पास पुत्र नहीं है तो आपकी गति नहीं होगी, आपकी अधोगति होगी, उन्हें दुख हुआ। तो भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं महर्षि वर्मा को कहते मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम तो 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े ज्ञानी हो और आप जानते हो कि आपके पास पुत्र का योग नहीं है। तो कहते हैं प्रभु इसका कोई निवारण तो होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाभी मेट सकें तिपुडारी, भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो भाग्य को भी बदल देते हैं, शिव की आराधना करो। तो महर्षि मारकुंड बाबा भोलेनाथ की तपस्या करते हैं और कुछ दिनों के बाद बाबा प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटा वर मांगो, कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कैसा पुत्र चाहिए? तो महर्षि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव जी ने कहा नहीं, तुमने तो अभी एक पुत्र मांगा था, कहे प्रभु मैं समझा नहीं, कहे सर्वज्ञ जिसकी आयु जो है 12 वर्ष होगी यानी अल्प आयु होगी, और दीर्घायु जो अमर होगा लेकिन उसे वेद पुराण शास्त्र किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा, मूर्ख होगा, जिसे लोग पागल भी कह सकते हैं। तो महर्षि ने विचार किया कि मेरे पास पुत्र नहीं था तो लोग ताड़ना देते थे, तो मैं क्यों ना भगवान
की आराधना से पुत्र ले रहा जो सर्वज्ञ लोग, तब मारकंडे का जन्म होता है सर्वज्ञ के रूप में, उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष होती है। तो ये जो है कुछ दिन जब बीतता है तो गुरुकुल वगैरह चले जाते हैं, जब बड़े होते हैं तो उनकी माता पिता 10 वर्ष बीतने के बाद चिंता करने लगते हैं कि मेरा पुत्र 2 वर्ष के बाद प्राण त्याग देगा। वह सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, जानते हुए भी अपने माता जी से जिद कर जाते हैं, हट कर जाते हैं कि माता बताओ क्या कारण है, आप क्यों इतना दुखी है। उन्होंने कहा बेटा हम लोगों ने बहुत जप तप करके तुम्हें प्राप्त किया है, तुम 2 वर्ष के बाद अपने प्राण त्याग दोगे। वह कहते हैं कि आप लोगों ने तप करके मुझे प्राप्त किया तो क्या मैं अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता। 10 वर्ष के उम्र में नैमिषारण्य से चल कर आते हैं बिंद्रवन विंध्याचल। काशी जो है पुराणों में 3 खंड में बटा हुआ है, बिंद्रवन, बनारस आनंदवन और मार्कंडे जी तपोवन, ये 3 वन से जाना जाता है। तो बिंद्रवन जाते हैं, वहां तपस्या करते हैं, माँ बिंध्यवासिनी प्रसन्न होती है, कहती है बेटा वर मांगो, कहते हैं मुझे अमृत को प्राप्त करना है, कहती है नहीं यहाँ तुम्हें सिद्धि और चमत्कार प्राप्त हो सकता है, चले जाओ आनंदवन। तो आनंदवन में आते हैं, वहां तपस्या करते हैं, तो बाबा विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं महर्षि वर मांगो, कहते मुझे अमृत को प्राप्त करना है, कहते आनंदवन काशी आनंद लेने का स्थान है, तुम्हें यहाँ शांति नहीं मिलेगी। कहते तब प्रभु कहते चले जाओ आज गंगा के किनारे दंटक वन, यहाँ आते हैं और सामने आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिलता है। जैसे हम लोगों के पूर्वज बताते हैं लगभग 80 साल 100 साल पहले जो है यही पास से ही गोमती नदी बहती थी और गाजीपुर गोरखपुर बलिया का मेन मार्ग यही हुआ करता था। यहाँ आते हैं और जो बाबा का बड़ी वाला शिवलिंग है वो मिट्टी का पार्थिव बनाकर तपस्या शुरू करते हैं। 12 वर्ष बीतता है तो यमराज अपने दूत को भेजता है, जाओ मारकंडे का प्राण लाओ। दूत आकर देखते हैं कि मारकंडे जी के तपोबल से चारों तरफ अग्नि जल रही है, अग्नि उनकी रक्षा कर रही है। यमराज देखते देखते जो है वो यमराज के दूत डर जाते हैं, यमराज से कहते हैं, यमराज कहता है 12 वर्ष का तपस्वी बालक। यमराज यहाँ आते हैं और देखते देखते उनके ऊपर ब्रह्म फांस फेंकते हैं, मार्कंडे जी का ध्यान टूट जाता है और देखते हैं कि सामने यमराज खड़ा है तो मिट्टी के लिंग का हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न भर्ता गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, कि हे प्रभु न यहाँ मेरे माता है न पिता है न भाई है न बंधु है, आप आए आप मेरे प्राणों की अच्छा करें। तब तक यमराज उनको ब्रह्म फांस से खींचना चाहता है तो शिवलिंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं चंद्रशेखर 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 पाहिमाम चंद्रशेखर 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 रक्षमाम चंद्रशेखर माश्रेमम किन करस्यति वैमा, चंद्रशेखर माने भगवान शिव वही माने यमराज कि मैं आपके आश्रित हूँ तो यमराज क्या बिगाड़ सकता। बड़ी वाली मूर्ति स्वयं शंभु है, स्वयं प्रकट होते हैं और यमराज को त्रिशूल तानते हैं मारने के लिए। तो यमराज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मित्र लोक है, विधि का विधान है, इस बालक का उम्र पूर्ण हो चुका है। तब शिव जी ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी को बुलाइए, तो आराधना करके ब्रह्मा जी क्यों बुलाते हैं। तो शिव जी ने कहा क्या आपके विधि के विधान में बालक का जन्म है, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, क्या जब विधि के विधान में बालक का जन्म नहीं तो मृत्यु कहाँ से आई। जैसे द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग ये चारों युग 4000 बार जब बीतता है तो एक ब्रह्मा जी लुप्त होते हैं गायब हो जाते हैं। भगवान विष्णु को एक दिन होता है और शिव जी की आंखें पलक गिरती है, कहते मार्कंडे मेरा पुत्र है और मेरे उम्र से इस उम्र बालक की उम्र 12 वर्ष है। जैसे आज भी धरा धाम में 7 लोगों का नाम आता रहा है, अष्टोत्थामा बलि व्यास हनुमान सभीषण, उसी तरह अष्टम मार्कंडे चिरंजीवी 8वें में मार्कंडे जी अपने तपोबल से और बाबा भोलेनाथ के वरदान से चिरंजीव को प्राप्त होते हैं। आज भी हमारे मंदिर जब शयन आरती करके हम लोग बंद कर देते हैं और जब सुबह में मंगला आरती करते हैं तो वहाँ जल स्वतः स्वतः आकर स्वयं मार्कंडे जी पहला जल स्वयं चढ़ाते हैं और इसीलिए यह स्थान संसार में दुर्लभ है। यह श्लोक कहता है कि मार्कंडे यश राजेंद्र तीर्थ महासा तो दुर्लभम, जो कि ये गाय मंदिर गाँव में है, यहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है फिर भी यह स्थान दुर्लभ ऐसा पुराण कर रहा है। तो बाबू ये जो है स्थान जिसके पास भी संतान न हो, संतान की कामना लेके आवे, तो शिव जी ने कहा तथा अस्तु यही होगा, कहे मेरी तरह जो भी अल्पायु वाले आवे, शिव जी ने कहा तथा अस्तु यही होगा। यही कारण है कि स्वतः मार्कंडे जी को बाबा भोलेनाथ ने वरदान दिया है और यहाँ पे साल में हजारों लोग ऐसे आते हैं जो अपना समय बिता चुके हैं 60 साल की अवस्था में 70 साल की अवस्था में 9 दिन रह के हरिवंश पुराण की कथा सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी भी गोद भर देते हैं। यही यहाँ की कथा है ना, पार्वती पते हरा हरा मारे।
देखिए दोस्तों, ये मंदिर जो है, अभी आपने बताया कि लगभग महाभारत से चला आ रहा है, महाभारत काल का मंदिर है और इसका पुराणों में भी वर्णन है। अभी यहाँ पे महंत जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बताया कि कैसे मार्कंडेय महादेव का यहाँ पे अवतरण हुआ है, कैसे यहाँ पे दर्शनार्थी जो आते हैं उनकी जो अल्पायु होती है दीर्घायु में बदल जाती है, और यहाँ पे जो संतान प्राप्ति के लिए भी बच्चे लोग आते हैं वो भी संतान प्राप्ति को सुख को प्राप्त करते हैं। इस पुराणों में मिलता है, जैसे मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है, उसमें मिलता है कि मार्कंडेय जी जब नैमिषारण्य से चले थे तो उनके साथ पांच ऋषि आए थे, गर्ग ऋषि, उद्यालय ऋषि, पराशर ऋषि, गौरी शंकर ऋषि और मार्कंडेय ऋषि। आज भी मार्कंडेय जी से लगभग जो है 2 कोस की एरिया में ये पांचों मंदिर जो है आज भी है। ये सब पांच ऋषियों का मंदिर आज भी यहाँ मौजूद है। जो लोग दूर दराज से आए हुए, जो लोग पुराणों का अध्ययन करते हैं, वह जरूर गौरी शंकर महादेव और गर्ग ऋषि, उद्यालय ऋषि, पराशर ऋषि का जरूर दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पुराणों में अवतरित मंदिर है, यहाँ पे पुराणों में जो चीजें लिखी हैं वैसी सारी चीजें यहाँ पे आप पाएंगे जब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आप आएंगे। आए दोस्तों, सीधे सीधे हम लेके चलते हैं आपको मंदिर परिसर में, और जो मार्कंडेय महादेव जी हैं उनका दर्शन आपको करवाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर 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 इधर, ये देखिए यहाँ पे मार्कंडेय महादेव और मार्कंडेय ऋषि जी का यहाँ पे जो है कि प्रतिमा बनी हुई है। दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं। आइए हम दिखाते हैं, महन जी हमारे साथ हैं और बताएंगे कि मंदिर परिसर में मार्कंडेय ऋषि जी का और मार्कंडेय ऋषि जी कहाँ पे स्थित हैं और बाबा भोलेनाथ जी कहाँ स्थित हैं, ये आइए हम उनसे महन जी से जानना चाहते हैं। महन जी ये बताइए कि प्रतिमा किसकी है? यही महर्षि मार्कंडेय जी की प्रतिमा है, जिनके तपस्या से बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं जी। यही महर्षि मार्कंडेय जी का प्रतिमा है, जिनके तपस्या से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए बाबा भोलेनाथ यहाँ सामने जो है प्रकट हुए स्वयं भू। देखिए दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि जी यही हैं, इन्हीं की तपस्या से, तपोबल से ही यहाँ पे मार्कंडेय महादेव बाबा प्रकट हुए। देखिए आपको सीधे सीधे यहाँ पे दर्शन करवाया जा रहा है, प्रत्यक्ष दर्शन करवाया जा रहा है हमारे चैनल खबर सीवन सी के माध्यम से। यही मार्कंडेय ऋषि जी हैं जिनके तपोबल से भगवान महादेव यहाँ पे प्रकट हुए हैं स्वयं भी। अब देखिए बगल में, आइए दिखाते हैं, महादेव बाबा यहाँ पे हैं, विराजमान हैं और आपको हम सीधे सीधे अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं प्रभु जी का। आइए देखिए, दर्शनार्थी आ रहे हैं यहाँ पे, भारी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं यहाँ, जलाभिषेक करते हैं बाबा का, भोलेनाथ बाबा, मार्कंडेय महादेव बाबा का यहाँ पे दर्शन प्राप्त करते हैं। देखिए भीड़ कितनी है, सबको बारी बारी से पिछली गेट से बाहर कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। भारी पुलिस फोर्स लगा हुआ है बगल में, देखिए भारी पुलिस फोर्स लगा हुआ है इसकी कंट्रोलिंग के लिए, कि जो भी भीड़ आए इसको कंट्रोल किया जाए, किसी भी प्रकार के यहाँ पे जो भगदड़ की व्यवस्था दुर्व्यवस्था ना फैले, और बारी बारी से दर्शन जो यहाँ पे दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन करा के बाहर पिछले वाले गेट से बाहर कर दिया जाता है। देखिए ये मार्कंडेय महादेव बाबा है जिनका हमने अपने खबर सेवन सी न्यूज चैनल पे आपको सीधा लाइव कवरेजिंग दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं अपने चैनल खबर सेवन सी के माध्यम से। ये देखिए, देखिए मार्कंडेय महादेव बाबा है, बस ये देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हम दर्शन करवा रहे हैं। लगातार हमारे कैमरामैन अपना कैमरा बाबा के ऊपर बनाए हुए हैं जिससे आपको दर्शन मिल रहा है लाखों की संख्या में बाबा। देखिए देखिए, साक्षात भगवान जी की यह प्रतिमा है जो यहाँ पे स्वामी भी प्रकट हुए थे, बाबा मार्कंडेय महादेव हैं ये, इनका दर्शन आप सीधे खबर सेवन सी के माध्यम से लीजिए, बाबा का दर्शन आप लोग पाइए, आशीर्वाद लीजिए और अपनी मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ मार्कंडेय महादेव बाबा का दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से पाइए, धन्यवाद। आइए दोस्तों, हम लेके चलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था जो यहाँ पे है पुलिस के प्रशासन के द्वारा, हम सीधे सीधे आपको लेके चलते हैं एसपी रूलर और सीओ साहब यहाँ पे हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार सुरक्षा को लेके क्या क्या यहाँ व्यवस्था की गई है भक्तगढ़ों के लिए। सर, सुरक्षा मुहैया जो करवाया जा रहा है उसमें कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है इस बार? देखिए, मार्कंडेय महादेव का मंदिर ये काशी विश्वनाथ के बाद बनारस का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, जहाँ पे लगभग सोमवार के दिन 70,000-80,000 से लेके 1,00,000 लोग तक दर्शन करते हैं। अभी तक जो यहाँ पे है वो लगभग 60,000-65,000 लोग सुबह से दर्शन कर चुके हैं और रात तक ये दर्शन चलता रहेगा। तो सर, इतना ज़्यादा जो भीड़ की तादाद आती है, इसको कंट्रोलिंग करने के लिए, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए क्या आप लोगों ने यहाँ पे CCTV कैमरे की व्यवस्था करवा रखी है?
देखिए मंदिर प्रशासन की तरफ से ऑलरेडी मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग रखे हैं जिनका मॉनिटरिंग है, जिसपे पुलिस और मंदिर के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ पे मेटल डिटेक्टिव मशीन से भी चीजों को देखा जा रहा है। बिल्कुल, मंदिर के बाहर हमारे भी कैमरे लगे हुए हैं, 10 के आसपास कैमरे लगे हुए हैं जिनकी मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम द्वारा की जा रही है। साथ में मेटल डिटेक्टर और DFMD लगे हुए हैं जिनके थ्रू लोगों को पास कराया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की असंभावना से बचा जा सके। जैसे कि ऐसा होता है कि चेन स्नेचिंग की घटनाएं भीड़ भाड़ में ज्यादा होती हैं, तो क्या इस बार इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई है? देखिए शिवरात्रि के दिन भी और पिछले दो सोमवारों के दिन भी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे महिलाएं चिन्हित की गई थी जो बार बार मंदिर में आना जाना कर रही थी, तो उन पे जब CCTV से कड़ी नजर रखी गई तो पता चला कि चेन स्नेचिंग की घटनाओं में उनका हाथ रहा है पहले, तो ऐसे महिलाओं को डिटेन करके उनको जेल भी भेजा गया है। संख्या नहीं, लगभग चार से लेके आठ के आसपास हम लोगों ने जेल भेजा ऐसे महिलाओं को, ऐसा ग्रुप भी रहा है और उनको रिस्ट्रिक्ट भी है। जो ऐसा दिख गया जिसकी किसी की जानकारी में, पुलिसकर्मी की जानकारी में, तो उनको रोक कर उनको वापस किया जा रहा है या थाने पर उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। तो इस प्रकार से चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर काफ़ी रोकथाम है। साथ ही साथ पब्लिक को भी अवेयर किया जा रहा है कि जो ऐसे महंगे आभूषण इत्यादि पहन करना है जिससे कि ऐसी प्रकार की घटनाएं किसी तरह से संभावना जिसकी हो सके। जैसे बाहर मेले का भी आयोजन लगता है कि हुआ है, तो अगर कोई बच्चा गुम हो जाए या कोई अपने परचेज से बिछड़ जा रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई इस बार? देखिए हमारे यहाँ PA सिस्टम भी लगा हुआ है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी गुम हो गया या कोई बिछड़ गया वो आकर वह कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है, जहाँ से PA सिस्टम के थ्रू हम चेक करते हैं। साथ में सभी पुलिसकर्मियों को भी उसका होलिया पता बताते हैं ताकि उनको उस व्यक्ति दिखे ऐसा कोई या बच्चा दिखे जो कि अपने बारे में बता नहीं भी पा रहा हो तो उसको कंट्रोल रूम तो लाएं ताकि उसके माँ बाप या परिजनों से उसको मिलवाया जा सके। धन्यवाद। कैमरा पर्सन आशीष पटेल के साथ मैं दीपक चौहान, खबर 7 सीनियर चैनल। CEO साहब हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहते हैं कि इस बार रणनीति क्या रही है पुलिस प्रशासन की और क्या व्यवस्था की गई है। सर थोड़ा बताइए। जैसा कि आपको पता है कि मार्कंडे महादेव आने के रास्ते सकरे हैं, घाट पर बहुत चैलेंज रहता है, भीड़ भाड़ बहुत रहती है और अभी नदी में बाढ़ भी आई हुई है, तो इस चैलेंज को हमने इस तरीके से दूर करने का वो फैसला लिया। इसमें हमने वॉलंटियर्स की भी मदद ली है, गाँव में से लोगों को जो युवा हैं और जो सेंसिटाइज्ड लोग हैं उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग थोड़ी दी एक दिन की और उनको बताया कि उनके रोल क्या हैं। उनको हमने 190 लोग हैं उनको 8-8 के ग्रुप में बांटा है, तो घाटों पर जैसे हम लोगों ने 4 ग्रुप एक्टिवेट किया है, इसी तरीके से रास्ते में और मंदिर परिसर में और बाहर भी उनको हम लोगों ने एक कार्ड भी इशू किया हुआ है और वो आने जाने वाले लोगों से लेकर के खोया पाया में हर एस्पेक्ट में वो पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के मदद कर रहे हैं। घाटों पर डूबने वालों की सुरक्षा के लिए हमने जैसे वो डीप साइड में न जाए तो जाल लगवाया है और एक जो नेट है रोप को बंधवाया है और PAC की 2 बोट और वॉलंटियर्स की 2 बोट हम लोगों ने लगाया है। प्रत्येक बोट पर 4-4 गोताखोर हमने लगाए हैं, तो इस तरीके से हमारे पास प्राइवेट गोताखोर, PAC के जवान ये लोग हैं वहाँ पे और पूरी तरह से सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी तरह की कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो तो हमने इन वॉलंटियर्स की मदद ली है। धन्यवाद।
लेके चलते हैं मार्कंडेय महादेव के यहाँ पे जो गंगा नदी और गोमती नदी का संगम है। और ये देखिए सामने हमारे यहाँ पे गंगा नदी दिख रही है और बगल में उधर देखेंगे संगम का स्थान है, वहाँ से गोमती नदी आई है, गंगा गोमती का ये संगम स्थान है और यहीं पे मार्कंडेय ऋषि आए थे और संगम स्थान पे आके इन्होंने अपना आराधना किया था भगवान शिव का। और यहाँ पे जब जैसे कथाएं सुनाई गई आपको कि यमराज आते हैं तो उन्होंने भगवान जी को पकड़ लिया और भगवान जी स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए और ये अमृत का वरदान उनको मिल जाता है। और तब से यहाँ जो महादेव का नाम मार्कंडेय जी के नाम से, मार्कंडेय महादेव के नाम से जाने जाने लगा है। आइए हम यहाँ पे जो घाट बना है उसके बारे में और जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में जानते हैं कि किस संस्था के द्वारा, किस मंत्री के द्वारा ये सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की गई हैं। तो भाई साहब अपना नाम बताइए पहले। तो कृष्णकांत निषाद, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो व्यवस्था है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा दिया गया है कि कोई यहाँ के क्षेत्रीय नेता है? ये हमारे यहाँ के लोकसभा सांसद हैं जो चंदौली क्षेत्र पड़ता है और ये माननीय महेंद्रनाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, इसमें महेश शर्मा जी का भी सहयोग है। तो सुनने में आया है कि और कुछ जो पैसा आवंटित हुआ है, पास किया गया है, तो वो किसके लिए किया गया है उसके बारे में कुछ बताएं। ये जनता सेवा के लिए किया गया है। ये संगम है, संगम पर जो है यहाँ पे घाट बनेगा और यहाँ से संगम पे जो यात्री आते थे यहाँ मार्कंडेय जी घाट पे नहाते थे उनको दिक्कत होती थी, ये संगम पे स्नान है ताकि वहाँ स्नान उनको ढंग से हो सके। और वहाँ क्या बनने वाला है, संगम जो स्थान है वहाँ से और यहाँ मार्कंडेय महादेव का जो ये घाट बना हुआ है वहाँ से यहाँ तक के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इस पैसे में? यहाँ से सरकार द्वारा जो बन रहा है यहाँ से बाई रोड है संगम तक, वहाँ 120 मीटर सीढ़ी है और बहुत मतलब पानी गंगा के अंदर तक। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे प्रतीक्षालय केंद्र है, शौचालय 50 है, इसके बाद जो है यात्रियों के रहने के लिए व्यवस्था, रात्रि के लिए लाइटिंग की व्यवस्था, हाँ यहाँ पे सर्च लाइट व्यवस्था है, यहाँ से पूरा स्टैंड तक पूरी सर्च लाइट व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आइए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं अपने चैनल के माध्यम से जो मार्कंडेय महादेव के ये घाट है उसको उसका हम लोग यहाँ दृश्य दिखाते हैं। ये जो बोट है पीएससी के द्वारा उपलब्ध कराई गई, ये यूपी पीएससी जो लगी हुई है यहाँ पे लगातार 24 घंटे। अभी एसटीआरए साहब ने हमें बताया कि लगभग हमने 2 बोट अपना चला रखा है। अगर कोई दर्शनार्थी, देखिए सामने का दृश्य देखिए, यहाँ पे लगभग लाखों लोग आते हैं, डुबकियां लगाते हैं, जैसा कि किंवदंतियों में बताया गया है कि यहाँ पे लोग आते हैं, पहले दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, इसके बाद दान पुण्य करके फिर जाके वहाँ पे दर्शन करते हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ काफी होती है। और यहाँ पे अगर कोई दर्शनार्थी इनकेस डूबता है तो यहाँ पे पीएससी की टीम लगी हुई है अपने 2 बोटों के सहायता से, जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए बोट है और यहाँ पे इंचार्ज साहब हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये व्यवस्था जो दी गई है किसके द्वारा दी गई है, आप लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं? सर बताइए अपना नाम। नीरज कुमार। तो सर आप लोग किस विभाग से हैं? पीएससी के। तो आप लोग क्या दिशा निर्देश दिया गया है? हम लोग कोई डूबे न, अगर कोई दर्शनार्थी डूबता है तो आप लोग कैसे उसको, क्या रणनीति बनाया है आप लोगों ने, किस हिसाब से उसका सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं, ये सब उपकरण है, लाइफ बॉय रिंग है, वो जैकेट है, इसी से। हमने माना था कि जाल की व्यवस्था करके रखा है क्या आप लोगों ने, जो नदी है उसके बहाव की दिशा में जाल भी इस बार लगाया गया है क्या? नहीं, जाल तो हमारे समझ से नहीं है, हमारे संज्ञान नहीं। अभी एसपीआरएस आपने बताया कि इस बार हम लोगों ने जाल भी डाला है, अगर बहाव में कोई बहता है तो जाल में जाके फंस जाए, अभी हम लोगों ने उनसे जानकारी लिया। ये देखिए इक्विपमेंट सामने पड़ा हुआ है, ये इक्विपमेंट है, ये सारे जो इक्विपमेंट है इसमें हवा भरी हुई है, इसकी सहायता से, और जाल है, नेट है, और ये पतवार भी है, इसकी सहायता से यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आते हैं डूबते हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से कर लीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको बचाया जाता है। और यहाँ की जो पीएससी की टीम है लगातार कंटिन्यू 24 घंटे तत्पर रहती है अगर कोई भी ऐसी घटना होती हुई दिखती है। और हम देखिए आपको दिखा रहे हैं गंगा का यह दृश्य, देखिए ये पूरा देखिए, लगभग इधर सामने देखेंगे सैदपुर गाजीपुर का स्थान है, ये बनारस का क्षेत्र है, उधर सामने देखेंगे संगम देखिए, वहां पे गोमती नदी आई हुई है, ये संगम स्थान है, और सामने देखेंगे तो चंदौली जिला दिखेगा आपको। तो यहाँ से पूरे पूर्वांचल के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और यहाँ से देखिए सीधा सीधा दिख रहा है घाटों पे जो दर्शनार्थी आए हैं जिनके लिए बोट तैनात है, यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पे पीएससी की टीम लगी रहती है, निगरानी करती है, समय समय पे ये लोग ऐसे बोट को यहाँ पे
घुमा के नदी की इस पार से उस पार ले जाके चेक करते रहते हैं कि क्या कोई दर्शनार्थी तो बाकी इधर नहीं आ गया है, क्या किसी के ऊपर आफत तो नहीं आ गई है। तो इस हिसाब से इस व्यवस्था को किया गया है। प्रशासन इस बार काफी चुस्त दुरुस्त दिख रहा है भक्तों के लिए, कांवरियों वालों के लिए। जैसे कि योगी प्रशासन मोदी प्रशासन का यह कहना भी था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम भक्तों के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था करेंगे, तो यह चीज जो है इस बार निखर के दिखती हुई आती हुई दिख रही है हम लोगों को, जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए अभी हमारी बोट जो है पीएससी की बोट है, ये जो है यहाँ से निकल रही है जो मारकंडे घाट है। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो संगम स्थान है, संगम स्थान की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस बोट के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, वहाँ पे कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं, वहाँ पे कितने दर्शनार्थी आते हैं। जो कि अभी आप लोगों को हमने, जो कि एक दर्शक थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये सारी व्यवस्था इस बार जो कि यहाँ पे बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पांडे जी के द्वारा ये सारा चीज उपलब्ध कराया जा रहा है। और यहाँ पे सौंदर्यीकरण का, लाइटिंग का, शौचालयों का, और यहाँ से लेके इस घाट से, मारकंडे घाट से लेके संगम स्थान के घाट तक की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। इस घाट को उस घाट पे जोड़ दिया जाएगा, जिससे यहाँ के जो दर्शनार्थी आते हैं वो दर्शन किए बिना, उस घाट पे डुबकी लगाए बिना, संगम स्थान के यहाँ पहुंचे बिना जाए ना, वो भी वहां पे पहुंचे। क्योंकि अभी देखेंगे रास्ते में, ये देखिए यहाँ पे पहाड़ियां हैं, टीले हैं, झाड़ियां हैं और कटीले पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आता है, जिससे कि यहाँ के दर्शनार्थी जो यहाँ पे मारकंडे घाट पे आते हैं संगम घाट की तरफ नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस बार ये व्यवस्था कर दी गई है सरकार की तरफ से, लगभग 27 करोड़ रुपए पास कर दिया गया है, जिससे यहाँ का सौंदर्यीकरण, घाट का निर्माण और प्लस उसके बाद लाइटिंग, शौचालय, रोड की व्यवस्था, सारा चीज चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। और हमारे साथ इस समय बने हुए हैं पीएससी के जवान, दिखा रहे हैं आपको, बोट लेके जा रहे हैं सामने वहां सीधे सीधे। अब हम आपको लाइव कवरेजिंग दिखाएंगे जो संगम स्थान है, जहां पे गोमती और गंगा नदी का संगम स्थली है। यहीं पे कहा जाता है कि मार्कंडे ऋषि आते हैं और यहीं पे अपनी साधना करते हैं। साधना करने के बाद जब इनको यहाँ पे इनका जीवन काल पूरा हो जाता है तो यमराज आते हैं। यमराज कहते हैं कि अब हम आपको लेके चलेंगे, आपका जीवन काल समाप्त हो गया, तो यहाँ पे उन्होंने शिव भगवान की एक जो है कि प्रतिमा बना के रखी थी, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भगवान आप हमको बचाइए, हम हमारे न तो आगे कोई है न तो पीछे कोई है। तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, जो कि अपना त्रिशूल उठा लेते हैं यमराज जी को मारने के लिए। यमराज जी कहते हैं कि मृत्यु लोक है ये, आप जो कि इनको जाने दीजिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये हमारा भक्त है, इन्होंने साधना किया, इसलिए हम इनको अमर रक्त का जो है कि इनको वरदान देते हैं। तब से यह स्थान जो है कि मार्कंडेय महादेव के नाम से जाने जाने लगा है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद यो तक जो कि कुछ सालों पहले, जैसे कि यहाँ पे राजपूताना काल, फिर उसके बाद मुगल शासक आए, फिर उसके बाद मंदिर का जो है कि विलोपन हो गया था। लेकिन फिर इसके बाद जब यहाँ के जो गांव वाले हैं, उन्होंने जिनका खेत था, उन्होंने अपना यहाँ पे खेती करते थे, हरवाई करते थे, उनके साथ एक आदमी रहता था, उन्होंने जब खेती करना और जुताई करना स्टार्ट किया तो एक स्थान पे जाके उनका हल जो कि फंस जाता है, वहां से जो खून निकलता हुआ, ब्लड निकलता हुआ दिखते हैं, तो भाग के गांव में जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा घटना हो रहा है। तब सब लोग आते हैं, गांव वाले देखते हैं, तो यहां पे एक ऋषि रहते हैं और पंडित जी लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि यह स्थान जो है पुराणों में निहित है और इसका वर्णन पुराणों में किया गया है। यह वही मार्कंडेय स्थान है जहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जी आए थे, उन्होंने अपना तप किया, तपोबल से उनके यहाँ पे श्री शंभु भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, जिन्हें आप आज हम लोग मार्कंडेय महादेव के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे नाव है, यहाँ पे मछुआरे हैं, अपना नाव लेके हमेशा रहते हैं और किसी भी परेशानी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम लोग सीधा सीधा जो कि पीएससी के बोर्ड के थ्रू आपको ये जानकारी दे रहे हैं। ये सुविधा जो है कि प्रशासनिक पुलिस प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जो लाइव कवरेज आप देख रहे हैं इन्हीं के इस व्यवस्था का एक रूप है, नहीं तो हम लोग यहाँ तक नहीं आ पाते, आपको इस घाट के और इस नदी में उतर के जो कवरेजिंग है नहीं दिखा पाते। आइए सीधे सीधे अब हम आपको दिखाते हैं संगम स्थान। ये वही संगम स्थान है जहाँ पे गोमती गंगा एक साथ आके मिलती है और इसी तट पे, इसी संगम स्थान पे महर्षि जो मार्कंडेय जी थे आके अपना तप किए हैं यहाँ पे, और उनके तपोबल से श्री शंभु भोलेनाथ स्वयंभू जो है प्रकट हुए हैं और इस स्थान का नाम मार्कंडेय महादेव पड़ा है, जिसको हम लोग अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से आप लोगों को लाइव दिखा रहे थे।
अब ये सारा दृश्य आप लोग देखिए हमारे चैनल और हमारे कैमरामैन इसको दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। नौ हरी नौ।